हाय, मैं हूं मुकेश और आप सीख रहे हैं 2022 3D स्टूडियो मैक्स। और अभी चल रहा है आपका मटेरियल एडिटर। मैं मटेरियल एडिटर में जाता हूं, शॉर्टकट इसका एम है, एम फॉर मंकी। इसमें मोड्स दिए हुए हैं, दो मोड है इसमें। एक है कॉम्पैक्ट मोड, कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर जो कि ये है इस समय, और ये दूसरा है स्लेट मटेरियल एडिटर। मैं स्लेट मटेरियल एडिटर पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से ये नोड बेस मटेरियल ओपन हो जाता है, ये मटेरियल एडिटर ओपन हो जाता है। नोड बेस होता है, ये नोड के ऊपर काम करता है। नोड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक स्फीयर लेता हूँ और यहाँ से मैं एक फिजिकल मटेरियल यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो इसमें बहुत सारा ये कुछ दिया हुआ है। और मैं जनरल में आता हूँ, जनरल में अगर मैं चेकर लेता हूँ तो चेकर मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और चेकर पर क्लिक करता हूँ तो चेकर के ये सेटिंग पैरामीटर्स यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। और यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, ब्लैक का कलर चेंज किया तो ये ब्लैक की जगह ब्लू आ जाएगा। और ये चेकर होते हैं यहाँ पर, आपको दिखाई दे रहा है, मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर ये चेकर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह के चेकर ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई होंगे। ये मैं नोड के ऊपर से एक धागा सा खींच कर यहाँ पर बेस मटेरियल बेस वेट मैप में डाल रहा हूँ, और फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, और ये जो बटन है असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और ये रहा वो वाला बटन बटन शो बैकग्राउंड इन प्रीव्यू, ये वाला है शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। तो वो दबा दिया है और अब ये इस तरीके से भी आ जाता है और इस तरीके से भी आता है। ये यहाँ से खींच करके मैं इसको इसके ऊपर डाल दूंगा तो आ जाएगा। अभी मैं रेंडर करके देख लेता हूँ, ये चेकर दिखाई दे रहा है इसमें। और अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करके बेस कलर मैप में डाल देता हूँ, पकड़ के बेस कलर मैप में डाल देता हूँ, फिर चेक करता हूँ तो ये बराबर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से स्लेट मटेरियल से भी हम लोग एडिट कर सकते हैं, मटेरियल चेंज कर सकते हैं और डाल सकते हैं। इसको अगर रिमूव करना है तो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अगर मैं दूसरा मटेरियल लेता हूँ, डेंट, डेंट यहाँ पर डालता हूँ तो यहाँ से बेस कलर मैप में डालता हूँ और इसको देखता हूँ तो ये डेंट में अप्लाई हो चुका है, डेंट मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। ये देखिए, तो इस तरीके से ये स्लेट मटेरियल काम करता है। अब मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा, जैसे कि ये है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं, यहाँ पर टाइलिंग दी हुई है, टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। और इसको बड़ा करके देखना है तो डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये बड़ा हो जाएगा। और टाइलिंग यहाँ से मैं 3 कर देता हूँ तो यहाँ से टाइलिंग भी चेंज हो रही है, या इसकी भी 3 कर देता हूँ और इसकी भी 3 कर देता हूँ, तो इस तरीके से ये इसकी टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं। और जहाँ पर ब्लैक कलर आ रहा है वहाँ पर रेड कलर मैं कर देता हूँ। ओके, तो ये देख सकते हैं रेड रेड कलर आ रहा है ब्लैक कलर की जगह। और इस पर सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ वैसे ही यहाँ पर ये इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाती है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ और मुझे सिर्फ कलर ही चेंज करना है तो यहाँ से मैं रेड कलर ले करके चेंज कर सकता हूँ, या ब्लू या येलो येलो कलर ले लेता हूँ मैं। ओके, और अब देखता हूँ तो इस पर भी येलो कलर आ गया है। तो ये था मटेरियल एडिटर, दो टाइप का मटेरियल होता है इसमें,
एक तो कॉम्पैक्ट मटेरियल होता है, कॉम्पैक्ट मटेरियल नॉर्मल होता है, और नोट बेस पर अगर आपको जाना है तो ये नोट बेस भी आप इजीली आप कर सकते हैं, नोट बेस भी काफ़ी इजी है। और ये स्लेट मटेरियल, तो ये लेक्चर में ये था पार्ट 3, मटेरियल एडिटर का बेसिक आपको समझाना था, बेसिक फंडा आपको समझाना था, वो मैंने समझा दिया है। मेरे पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं, और डेली मैं नए वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, नए लेक्चर अपलोड करता रहता हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।